नमस्कार भाई दोस्तों, जो बात हम इतने दिन से बोलते आ रहे थे वही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दी। अब तो मानोगे उस बात में सच्चाई है। अब तो आपको सच मानना पड़ेगा कि जो बोल रहे थे हम सही बोल रहे थे मोदी साहब की, तो मानोगे। और चिंटुआ तुम है ना, जो एक कोशिश करते हो ना फोन पर थ्रेट देने की, धमकी देने की, कहीं और जाके किया करो, यहाँ कोई असर नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा जो तकलीफ हो रही है ना, वो तकलीफ हम समझते हैं, वो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी, परमानेंट रहेगी। और उस थ्रेट का जवाब भी दिया जाएगा, ये भी याद रखना। इतना तो कन्फर्म है, तुम वीडियो देखते हो, वीडियो पक्का देखते हो, जब तुमने फोन किया है तो वीडियो देखते हो ना। तुम्हारे को तो ये भी नहीं पता फोन पे था कौन दूसरा, दूसरा फोन किसने उठाया था, ये तुम्हारे को पता नहीं होता। और तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। चलो छोड़ो, तुम ऐसे ही हो, उस नाली में ही रहोगे, तुम नाली से बाहर नहीं आ सकते। हम बोल रहे थे भाई, जो मंडिया है, मंडिया दलाल बैठते हैं, वो कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाते सही तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी साहब भी यही बात बोल रहे हैं कि ये लोग न्यूज़ दिखाते ही नहीं है। अब सुन लो न्यूज एंकरों, तुम्हारे को ना प्रधानमंत्री साहब का सुनना चाहिए। खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा। मतलब मोदी साहब की कोई खबर दिखाते ही नहीं, जो मोदी साहब बोलते हैं वो खबर ये लोग दिखाते ही नहीं। बड़े कमाल की बात है। अब ये चिंटू मिंटू को तकलीफ होगी, चिंटू मिंटू तुम्हारे को तकलीफ होगी कि मीडिया वाले मोदी साहब प्रधानमंत्री की भी न्यूज़ नहीं दिखा रहे। हमारे को तो लगता है कि पूरे दिन वही न्यूज़ चलती रहती है। चलो जो कुछ भी है, जो ईमान सिंह खैरा ने बोला है भाई पंजाब वालों के लिए स्पेशल, वो भी आपको सुनना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, तुहाडे सारयां नाल एक बड़ी ज्यादा चिंता वाली खबर जो हैगी है वह सांझी करन लग्या हां। सानू कुछ समा पहलो एक गल पता लगी है भी सेंट्रल जेल दिबड़ूगढ़ विखे जो वारिस पंजाब के जथेबंदी के आगू ने, उन्हां विचों भाई गुरमीत सिंह बुकनवाला अते भाई कुलवंत सिंह राउके, इन्हां दोवां की जो सेहत है बड़ी ज्यादा वो ढिली हो चुकी है, तो उन्होंने हस्पताल विखे दाखिल कराया गया है। तो जो भाई कुलवंत सिंह राउके है उन्होंने जो मिर्गी के दौरे भी पे, तो यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि वह पिछले 18 दिनों तो जो भुख हड़ताल से बैठे ने, तो उन्होंने एको डिमांड है भी असी जो प्रशादा है ये हम पंजाब की धरती से जाके छकना है। पर इतने जो देखने वाली गल है भी जो पंजाब सरकार को इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पै रहा भी वह ज्यौन या उन्होंने कुछ हो जाए। तो इतने मैं समूह सिख जथेबंदियों अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करता है भी जे चलो सरकार भी पक्ष लेंदी घट्टो घट तुसीं दा लो तो एक जो कॉल लवो ताकि जो कौम कट्ठी होकर इस चीज़ से कोई चिंतन कर सके, तो उन्हों की जो मैं कहूँगा एक मंग है उसकी पूर्ति हो सके। तो जो हैरीटेज स्ट्रीट श्री अमृतसर साहिब विखे जो मोर्चा लाया गया है वारिस पंजाब के जथेबंदी उन्होंने जो नौजवान ने जो आगू ने उन्होंने परिवारों वालों उस दे विच भी बद चढ़ के जो हिस्सा लवो, यो मेरिया बेनती ने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपसे बार बार अपील की जा रही है, बार बार सब कुछ किया जा रहा है, फिर इन चिंटुओं को तकलीफ हो जाती है, चिंटू कमेंट करना शुरू कर देते हैं। इन चिंटुओं की चिंता रखो, इन चिंटुओं की तकलीफ हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तकलीफ। तेरे को क्या है, एक तुम्हारा दिमाग में एक मोटा कीड़ा और रहता है, एक कीड़ा रहता है जो कीड़ा दूर करें क्या। फौज से भाग के आया है, कलर सर्विस कर रखी है, तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं की होगी, कलर सर्विस कर रखी है हमने, ये याद रखना। और ये ना थ्रेट करना और ये करना बंद कर दो, इतना ही बता रहे हैं। और थ्रेट करने का इतना ही शौक है तो जैसे हमारा नंबर सब लिखा है, हर एक जगह पर लिखा रहता है हमारा नंबर, तुम अपना नंबर लिख दो, फोटो दे दो, हाँ भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये बात है मेरी, वो बता दो ना। फिर तुम खाली गलोच पर उतर रहते हो, तुम्हारे को जो सिखाया गया वही तो करोगे ना, तुम वही करते हो। बाकी खुद प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि मीडिया खबरें नहीं दिखा रहा,
मीडिया के बंद वो खबर नहीं दिखा रहे, जो हम बोल रहे हैं वो खबर दिखा ही नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री इल्जाम लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो सोचने वाली बात है। दूसरा, जो ईमान सिंह खैरा ने बोला, वकील साहब ने बोला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दरबार साहब के पास मोर्चा लगा हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संगत पहुँचे, उसमें शमूलियत करे। तो एक मोर्चा मोहाली मोर्चा भी लगा हुआ है, पंडित सिंह को गिरियाई वाला, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, जगह जगह पर मोर्चे लगे हुए हैं। फिर तीसरा और कुछ कर रहे हैं भाई, और मोर्चा बना रहे हैं, जो ये कर रहे थे 6 तारीख का इनका प्रोग्राम फेल हो गया, फिर सफाई देते फिर रहे हैं, क्योंकि ये समय है ही नहीं बाहर कहीं जाकर मोर्चे लगाने का, ये समय ही नहीं है बाहर और कहीं दूसरे मोर्चे लगाने का। पहले अपना तो करो, जो अपना है वो तो क्लियर करो, पहले वो क्लियर होना चाहिए कि ये होना चाहिए। और जो प्रीत सिंह सैनी का था, जो भाई कह रहे थे जो रिपोर्ट होती ना रिपोर्ट, वो 3 महीने लगता आने में, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, तब तक उनके बारे में कुछ भी करना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, इल्ज़ाम कभी नहीं लगाने चाहिए। हाँ, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ये जरूर एक रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। भगवंत मान साहब, ये जांच तो करवा दो निष्पक्ष, आपने दीप सिद्धू की, सिद्धू मूसेवाला की तो नहीं कराई, प्रीत भाई की तो निष्पक्ष जाँच करवा देना, क्या हकीकत में उनके साथ होया क्या था। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ लोग दूसरे लोग फ़ायदा भी उठा जाते हैं, भाई इसकी तो उनके साथ खटपट थी, चलो हम फायदा उठा लेते हैं। इसमें नहीं पता होता कौन क्या बोलेगा कौन, क्यों अखबारों में एक मारा एक्सीडेंट का, दूसरे मारा है ऐसे वैसे हो गया, खाने के कारण हो गया, तो कैसे मानेंगे हम अखबारों को, ये बताओ। तो अखबारों के सुन के समझ के कोई भी बात बोलना आज के समय पर बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और ये तो शुक्र है मोदी साहब ने बता दिया कि न्यूज़ वाले तो न्यूज़ दिखाते ही नहीं, जो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं वो तो कभी दिखाते ही नहीं, दिखाना चाहिए था ना इनको, नहीं दिखाया, लेकिन फिर कैसे विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु के लिए ये तो दिखाना चाहिए इनको, इनको तकलीफ रहती है। और अब तो देखो खुद प्रधानमंत्री साहब ने भी बोल दिया कि इनको देखने का कोई फायदा नहीं है, ये तो दूसरी ही अपनी वो रखते हैं, इनको एक कैसेट दे दी जाती है सुबह, वो कैसेट शाम तक चलती है, बस वही कैसेट चलेगी, अलग से कुछ नहीं चलेगा। आप बता दो ना पंजाब की कितनी न्यूज़ दिखाते हैं, गलती से अखबार या किसी छोटे से कोने में आई है कि डिब्रूगढ़ जेल के अंदर अमृतपाल के दो साथियों की तबीयत अचानक बिगड़ी, छोटे से कोने में, ये मत समझना आप पूरे अखबार पाएगी, वहाँ पर आई है बस, करवाया अस्पताल में भर्ती। भगवंत मान साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, साल भी पूरा हो लिया, 1 साल था वो साल भी पूरा हो लिया नशे वाला, कुछ तो बोलो महाराज, कुछ तो बोलो। ये चुटकुले बहुत सुना लिए, बहुत लोगों ने सुन लिए, सबको पता आप एक कलाकार हो, ठीक है, लेकिन अभी आप एक मुख्यमंत्री भी हो, एक संवैधानिक पद के ऊपर भी बैठे हो, अभी आपको जरूर बोलना चाहिए, कम से कम हाँ या ना तो बोल सकते हो कि भाई लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। ये जवाब नहीं था जो आपने जवाब दिया था, नहीं यहाँ तो जेल का मंदिर बना देंगे, लोग उनकी पूजा करेंगे, इसका मतलब उन्होंने ठीक काम किए थे, लोग उनकी पूजा करेंगे, ये जवाब नहीं, एक मुख्यमंत्री के देने का जवाब नहीं है। आपसे तो 1000 गुना बढ़िया है हमारा मुख्यमंत्री, 1000 गुना बढ़िया, जो बोलना होता बोल देता है, बाकी सब सोचते रहो, जो बोलना है वो बोलना है, आपसे तो 1000 गुना अच्छा है। आप जवाब नहीं दे पा रहे, कमाल हो गया, क्योंकि दिल्ली से आदेश नहीं मिले आपको, जब तक दिल्ली से आदेश नहीं मिलेगा आपको जवाब दोगे नहीं, ये भी सबको पता है। बाकी पूरी संगत को इकट्ठा होना चाहिए भाई, वो अगर ये बोल रहे कि प्रसाद हम पंजाब की धरती पे जाकर छकेंगे, तो पूरे पंजाब के लोगों को, पंथकों को, सबको साथ देना चाहिए, और अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब को भी एक हाँका नारा मार देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर रख देना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला।